कहते हैं दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला होना चाहिए। ये कहावत कनाडा पर बिल्कुल ठीक बैठती है। एक समय ऐसा भी था जब भारतीय सरकार कनाडा में चल रहे भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए कनाडा सरकार के सामने अनुरोध किया करती थी। तब यही कनाडा अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर भारत विरोधी इन गतिविधियों को बढ़ावा देता था, जिसके वजह से भारत और कनाडा सरकार के बीच में हमेशा मनमुटाव बना रहता था। लेकिन भारतीय सरकार कनाडा को हमेशा अपना रुख साफ करते आई थी कि अगर कनाडा भारत की एकता और अखंडता का सम्मान नहीं करेगा, तब तक दोनों देशों के संबंध मजबूत नहीं हो पाएंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को झटका तब लगा था जब साल 2018 में वो भारत दौरे पर आए थे। तब उनको एयरपोर्ट पर कोई भव्य स्वागत नहीं किया गया और इनको एयरपोर्ट से लाने के लिए भारतीय सरकार ने एक नॉर्मल ऑफिसर भेजा था। न प्रधानमंत्री मोदी खुद लेने गए और न ही अपने कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर भेजे। इसको उस समय पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज की तरह कवर किया जा रहा था। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इस दौरे पर पूरी फैमिली के साथ आए थे और इस दौरे में जस्टिन ट्रूडो भारतीयों को खुश करने के लिए भारतीय सांस्कृतिक कपड़े पहने और अपने बच्चों को भी पहनाया था। लेकिन भारत सरकार के आगे इनकी दाल बिल्कुल नहीं गली। उस समय का जस्टिन ट्रूडो का भारतीय दौरा एकदम ब्लंडर साबित हुआ था। लेकिन उस दौरे के बाद काफी कुछ बदला। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो कुछ साल पहले खालिस्तानी रैलीज में शामिल होकर भाषण दिया करते थे, वो भारतीय सरकार के इस कड़े रुख से अपने आप को खालिस्तानी प्रोपेगेंडा से दूर रखा है। और कई बार तो उनकी सरकार भी ये कह चुकी है कि हम लोग खालिस्तानी को सपोर्ट नहीं करते और कनाडा इंडिया का फ्रेंडली कंट्री है। लेकिन वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और। ये कहावत कनाडा पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि भले ही कनाडा की सरकार ये कहे कि हम खालिस्तानी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आज भी वहाँ खालिस्तानी इंडिया विरोधी गतिविधियाँ करते रहते हैं। आज कनाडा भारत विरोधी ग्रुप जैसे खालिस्तानी का गढ़ बन चुका है जो इंडिया को तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन अब मोदी सरकार ने कनाडा को एक बड़ी चेतावनी दे दी। दरअसल इन खालिस्तानियों ने 18 सितंबर को कनाडा के ब्रॉमटन शहर में एक भारत विरोधी रेफरेंडम किया था। इन खालिस्तानी रेफरेंडम का विरोध करते हुए जब भारतीय सरकार ने कनाडा को आपत्ति जताई, तो कनाडा की सरकार ने वही पुरानी बात कही कि हमारे देश में कोई भी कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विचार व्यक्त कर सकता है। हैरानी की बात देखिए, जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं उनको कनाडा अभिव्यक्ति की आजादी का नाम दे रहा है। पर कनाडा से जब ये खबर आई कि 6 नवंबर को ये खालिस्तानी फिर से एक रेफरेंडम करवाएंगे, तो मोदी सरकार ने इस पर सख्त रूप अपनाते हुए कनाडा को चेतावनी दे दी। भारत सरकार ने कनाडा से कहा इन खालिस्तानी रेफरेंडम को तुरंत रोके। भारत की इस कड़े रुख के चलते कनाडा भी लाइन पे आ गया। दरअसल कल ही इंडिया की स्पोक पर्सन ने बताया कि इंडिया के कड़े विरोध के चलते कनाडा ने इंडिया से कहा कि हम भारत की अखंडता और एकता को सम्मान करते हैं और हम कभी भी खालिस्तानी और खालिस्तानी रेफरेंडम को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। कनाडा की सरकार ने ये बात कहकर इन खालिस्तानियों के करे धरे पर सब पानी फेर दिया, क्योंकि इन खालिस्तानियों का मेन मोटो है कि कनाडा की सरकार पर ये प्रेशर डाले तो कनाडा यूएन में जाकर इनका इशू रेस करे। लेकिन कनाडा की सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो कभी भी खालिस्तान को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, इन खालिस्तानियों के ऊपर और कड़ा रुख अपनाना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।